पंचायतों के पुनर्गठन के प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद अब आपत्तियों और सुझावों का दौर हमीरपुर जिला में शुरू हो गया है। कई पंचायतों में पुनर्गठन की मांग उठ रही है तो कई पंचायतों में इसका विरोध हो रहा है। इसके अलावा पंचायतों के नाम को लेकर भी माथापच्ची शुरू हो गई है। वहीं डबरेड़ा को अलग पंचायत बनाने को लेकर लंबलू का एक प्रतिनिधिमंडल भी उपायुक्त हमीरपुर से मिला। हमीरपुर में ग्राम पंचायत लंबलू के विभाजन की मांग उठ रही है, जिसको लेकर एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हमीरपुर से मिला। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि डबरेड़ा को अलग पंचायत बनाने का प्रस्ताव सर्वसहमति से स्वीकृत हुआ था और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बीडीओ को प्रेषित की गई थी, लेकिन झटवाड़ के कुछ एक लोगों ने उपायुक्त हमीरपुर से आपत्ति की है कि झटवाड़ वार्ड के लोगों को हटरेड़ा से दूरी 8 किलोमीटर है। जिसके बाद में उपायुक्त हमीरपुर ने डीपीओ से छानबीन करवाने पर आरोप निराधार पाए हैं। लोगों को चिरकाल से चली आ रही मांग की आशा पूरी होती नजर आने लगी, लेकिन सरकार की नोटिफिकेशन में उनकी मांग धराशायी हो गई है। इसलिए अब ग्रामीणों ने एक बार फिर से डबरेड़ा को अलग पंचायत बनाने की मांग उठाई है। ये हमारा इशू है पंचायत की बाइफरकेशन का। लंबलू पंचायत जो है उसके 9 वार्ड हैं और 3000 के करीब पुरानी ओल्ड सेंसस के मुताबिक आबादी है, और इसका जो डिस्टेंस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक है वो 5 किलोमीटर लगभग ऊपर है। सभी लोग चाहते थे कि बाइफरकेशन हो, पहले से बहुत पुरानी डिमांड है, और इस बार जो लोगों ने सब ने ही इसका समर्थन किया 9 के 9 वार्डों ने के, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और वीडियो क्लिप जो है वो वीडियो के थ्रू गवर्नमेंट को गई, और हम लोग आश्वस्त थे कि इस बार जो है तो बाइफरकेशन हो जाएगी, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन जब डिसेंट्रलाइज होता है, सब यूनिट्स में होता है तो जनता को फ़ायदा होता है। ज़्यादातर लोग फौज में हैं, फौजी रिटायर्ड हैं या उनके आश्रित हैं, तो वो औरतें ही घर को मैनेज करती हैं और उनको आसानी हो जाती है पास में ही पंचायत की सेवाएँ लेने के लिए, उनको बहुत दूर जाना नहीं पड़ता। बाद में ना जाने क्या हुआ, सब पास हुआ, सब कुछ हमें पूरी आशा थी, आश्वस्त थे, लेकिन एक गांव के एक वार्ड नंबर वो 4 कौन सा है वो वार्ड, हाँ उस एक वार्ड के एक किसी एक आदमी का अहित हो रहा था, उसने पंचायत के प्रधान के साथ मिलकर ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा है, क्योंकि पंचायत के अधीन एक FCI का जो मार्केटिंग का एक बड़ी भारी बिल्डिंग है स्टोर, वो वहाँ पर खाली पड़ा है, उसने किराए पर लिया है, थ्रो वे प्राइस थे, उसकी कोई बिड नहीं हुई, कोई उसकी ऑक्शन नहीं हुई, और वो उस वहाँ पर उसने कंट्रोल में रखा है, जैसे अपने को बिजनेस करता है, उसका वो यही तो रहा था। वो बाद में ऐसे कुछ लोगों को उसमें बहला कर फुसला कर, और वो यहाँ पर आपत्ति की DC साहब के पास, उन्होंने इंक्वायरी रखी, इंक्वायरी अफसर भेजा, मौके पर हम लोग पेश हुए और वो गलत पाई गई। नाम वो कहता कि वो डबरेड़ा नई पंचायत 8 किलोमीटर पड़ती है हमारे घर से, जबकि वो हार्डली वहाँ से 500-600 मीटर से दूर नहीं, अगर शॉर्ट डिस्टेंस रास्ते के हिसाब से, और हम इसके साथ नहीं मिलेंगे। फिर जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि नहीं ये तो बिल्कुल पास में है, जो यहाँ से गए मिस्टर हरवंश सिंह कोई थे शायद, DDPO से कौन थे, तो उन्होंने गलत पाया, और साथ में ये भी कि भाई जो उस वक्त जिस दिन जनरल हाउस हुआ तो उसी गांव के लोग वहाँ थे, तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी, उनके दस्तखत भी हमने उनको दिखाए, तो हैरान हुए बाद में कि निराश हो गए कि भी ये हमारा वो विभाजन नहीं हुआ वो उस पंचायत का, और यहाँ तक कि उन लोगों ने खुशी मनाई वहाँ पर दिवाली की तरह, उस दिन उन लोगों ने बहुत अमर आपके किसी पेपर में छुपाया भी, हम जो हैं उनके 8 वार्डों के वार्ड मेम्बर्स और जो उप प्रधान हमारे और साथ में BDC मेंबर और एक एक्स प्रधान, ये सब लोग उन्होंने दस्तखत किए हैं, उसने ये आक्रोश जो है ऐसा होगा कि आंदोलन में अगर तब्दील हो गया तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हो सकता है कि हम इलेक्शन बायकॉट करने की भी सोच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।